खबर बुधनी से है, जहां आईटीआई छात्रावास में कई दिनों से सफाई कर्मी सुरक्षा गार्ड की सुविधा नहीं है, वहीं जिसके कारण बच्चों को खुद काम करना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में रहने वाले हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल के वार्ड कम आते हैं, जिसका फायदा उठाकर आसपास के शरारती तत्व हॉस्टल के पास शराब पीते हैं। वहीं आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल राम मूरत ने कहा है कि कॉलेज प्रबंधन कई बार इस सभी समस्याओं के विषय में प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं बता दें कि सीहोर कलेक्टर प्रवीर सिंह ने जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही। मेरा नाम रंजीत धुर्वे है। रंजीत, कहाँ पढ़ते हो आप? मैं हॉस्टल में रहता हूँ और बुधनी आईटीआई में पढ़ता हूँ। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, खुद झाड़ू लगा रहे थे, खुद साफ सफाई कर रहे हो पूरे हॉस्टल में, तो क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? सर, बहुत परेशानी आती है, इधर कर्मचारियाँ भी नहीं है और खाना भी बनाना पड़ता है हम सभी को, और बर्तन भी मांजना पड़ता है, और समय पर पढ़ाई नहीं कर पाते। कितनी दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, जो खुद साफ सफाई कर रहे हो और इसके पूरे बिल्डिंग के कांच टूटे हुए हैं? तो सर बहुत दिक्कत आती है, कैंटीन स्टार्टिंग हो जाए तो सभी को समस्या नहीं होगी। क्या चाहते हो आप प्रशासन से? हम प्रशासन से चाहते हैं कि कैंटीन उपलब्ध हो जाए तो किसी को परेशानी ना हो खाना बनाने को। अब गैस टंकी लाते हैं तो उसमें पैसा लगता है और सभी देखते हैं। पूरी हॉस्टल के आपके सब कांच टूटे हुए हैं, खिड़कियों के सब गेट खुले हुए हैं, तो कहीं डर नहीं लगता कि कोई भी रात को आ जाता, घुस जाता? कि 8 बजे के बाद ताला लग जाता है और बाहर से जो भी लोग वाग आ जाते हैं तो कभी कभी खिड़की में कुछ भी पत्थर वगैरह मारने लगते हैं और इसकी वजह से क्लास टूट जाती है। आईटीआई हॉस्टल अभी वर्तमान में 46 स्टूडेंट रह रहे हैं यहाँ पर, परंतु हमारे यहाँ सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारी नहीं है, जिसके लिए हमने डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर को पत्र लिखा है। जैसे ही हमें मतलब संबंध में कोई आदेश मिलेंगे, हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। देखिए, फोटोग्राफी मैंने मीडिया में देखी थी और आज आप लोगों ने मुझे बताया है कि वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मैंने आज सुबह समय सीमा की बैठक में आईटी के प्रिंसिपल को सोको नोटिस जारी किया है और वहाँ के वार्डन को भी सोको नोटिस जारी कर रहा हूँ, और सोको नोटिस के आधार पर उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात, जो बच्चों को सुविधाएं वहाँ मिलनी चाहिए वो भी हम लोग वहाँ पर सुविधाएं